हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल डू द न्यू चैप्टर चैप्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द फर्स्ट टॉपिक इज़ करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स क्या होते हैं? जिनकी वजह से करंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सॉलिड्स हैं, सॉलिड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट होता है। लाइक कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में कोई करंट कैरियर होता ही नहीं, इस वजह से कोई करंट नहीं होता। इन सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, ये हम चैप्टर 9 में करेंगे। और लिक्विड्स में आपको पता करंट फ्लो करता है किसकी वजह से? आयंस की वजह से। गैसेस में भी करंट फ्लो करता है आयंस की वजह से। तो सॉलिड्स में करंट कैरियर्स कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स देर इज़ अ करंट इन द सॉलिड्स। सिमिलरली इन लिक्विड्स एंड गैसेस आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट टू पास थ्रू इट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विच यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 10, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। वॉट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट मीन्स चार्ज अपॉन टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, दैट इज अ करंट। नाउ एज बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वॉट इज दिस? दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वॉट इट सेज, ये क्या कहता है? चार्ज क्या क्या इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, किया हो हमने चैप्टर 1 में। तो क्यू की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? एन ई अपॉन 2 टी। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट आपने ऑलरेडी 10th क्लास में किया हुआ है। सपोज ये आपके पास कोई कंडक्टर है, ये आपने एक बैटरी लगाई है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से लेके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तक। ओके, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट जो हम लेते हैं सर्किट के अंदर, पॉजिटिव से नेगेटिव तक। इलेक्ट्रॉनिक करंट किधर होता है? इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, इधर। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट, दैट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और कन्वेंशनल करंट जो कि हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज कन्वेंशनल करंट। सी, वी हैव डन करंट हैज़ अ डायरेक्शन, करंट हैज़ अ डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट हैज़ अ डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्न। बट इट इज़ अ स्केलर क्वान्टिटी, करंट इज़ अ स्केलर क्वान्टिटी। वाई इट इज़ कॉल्ड अ स्केलर क्वान्टिटी? बिकॉज इट डज़ नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर्स। हमने लॉज ऑफ वेक्टर्स पढ़े, ट्रायंगल लॉ पढ़ा है, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है। अगर हम करंट को उसकी हेल्प से एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वॉट एवर इट इज़, रिजल्टेंट निकालना चाहें करंट का विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर्स, लाइक ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, तो उनकी हेल्प से आप करंट का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते। तो दैट्स वाई करंट इज़ नॉट इन द कैटेगरी ऑफ वेक्टर्स। करंट क्या है? स्केलर है, दाउ इट हैज़ अ डायरेक्शन। हालांकि इसकी डायरेक्शन होती है, फिर भी क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये लॉज ऑफ वेक्टर्स को ओबे नहीं करता है। यूनिट्स क्या होते हैं करंट के? एम्पियर पढ़ा हुआ आपने, 1 कूलम। क्या था? इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो व्हाट इज़ क्यू? क्यू इज़ 1 कूलम, टी इज़ 1 सेकेंड। सो 1 कूलम पर 1 सेकेंड इज़ 1 एम्पियर। दिस वॉज ऑल अबाउट द करंट कैरियर्स एंड देन डायरेक्शन ऑफ करंट। थैंक यू।